एक औरत जो कि पिछले 20 सालों से अपनी जान बचाने के लिए पानी में ही रह रही है, एक इंसान जो कि पिछले 30 सालों से गटर में रह रहा है, एक अंकल जो कि ईरान में पिछले 57 सालों से कूड़े के ढेर में पड़े हैं, 60 साल हो गए उन्हें नहाए हुए, एक हिंदुस्तानी बंदा जिसने पिछले कई सालों से खाना नहीं खाया है, वहीं एक ऐसा भी इंसान है जो कि पिछले 70 सालों से एक मेटल बॉक्स में ही अपनी जिंदगी बिता रहा है। दोस्तों, शुक्रिया अदा कीजिए भगवान का जिन्होंने हमें इतनी तकलीफ नहीं दी है, लेकिन फिर भी हम हमेशा अपनी शिकायत लेके उनके पास पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे इंसानों से मिलवाने वाले हैं जो कि जी रहे हैं हमसे बहुत ही अलग जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी लाइफ जिसे देखने के बाद आपके होश न उड़ गए तो आप बताइएगा। दोस्तों, चिपक के बैठिए अपनी सीट पे क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया एपिसोड। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं ईरान के एक ऐसे आदमी से जो कि है दुनिया का सबसे गंदा आदमी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, सबसे गंदे आदमी का मतलब है कि एक ऐसा इंसान जो कि कभी नहाता ही नहीं है, जो कि कूड़े के ढेर में ही सोता है और जिसे है कूड़े से प्यार। दोस्तों, सबसे पहले आप इन्हें देख लीजिए, इन्हें देखकर लगता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि मिट्टी में सना पुतला है। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि पिछले 64 सालों से नहाए नहीं है? जी हाँ, 64 साल हो गए जब इन्होंने आखिरी बार अपनी बॉडी पे पानी डाला था। दोस्तों, 57 सालों से तो ये कूड़े के ढेर पे रह रहे हैं, लेकिन आज तक किसी को ये समझ नहीं आया कि आखिर क्यों ये इतनी गंदी जिंदगी जीना पसंद करते हैं। दोस्तों, इनका कहना है कि ये किसी लड़की की तलाश में आज भी हैं, और अगर कोई लड़की इनसे शादी कर लेती है तो उसके बाद ये अपना रूप जरूर बदलेंगे। लेकिन जब लोगों ने कहा कि कौन सी लड़की आपसे शादी करेगी जब आप इस हालत में रहोगे, तो इन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि जैसा मैं हूँ वैसा ही रहूंगा, और अगर किसी ने मुझे वैसे ही पसंद कर लिया तो ठीक है, कर लूंगा शादी, नहीं तो कोई बात नहीं। दोस्तों, अगर इनके किसी ने दांत देख लिए तो यकीनन वो 4 दिनों तक खाना नहीं खा पाएगा, बहुत पीले हैं इनके दांत, देखना चाहेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इनकी जिंदगी में कोई आए या ना आए, बदलाव जरूर आए। दोस्तों, आप क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपकी आंखों में आंसू भर आएंगे, आप ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लग जाओगे कि सही है आपके साथ नहीं हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कैंसर है, लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि कैंसर में तो आप कुछ सालों के बाद भगवान को प्यारे होते हो, लेकिन दोस्तों इस महिला से मिल गए, ये पिछले 20 सालों से ऐसे ही तालाब में बैठी हैं, लेकिन जानते हैं क्यों? दोस्तों, इसका एक ही रीजन है और वो है स्किन डिजीज। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि इंसान की न तो जान लेती है और नहीं छोड़ती है। दोस्तों, इस औरत के साथ भी वही दिक्कत है, इनके पास न तो इतने पैसे थे कि ये किसी हॉस्पिटल में जा सकती थी और न ही कोई औलाद है जो इनका दुख समझ पाता, इसलिए इन्होंने तालाब में ही बैठना शुरू कर दिया। दोस्तों, कहते हैं कि सूर्यास्त के साथ ही ये तालाब से निकल जाती हैं, लेकिन फिर जैसे ही सुबह होती है ये पानी के अंदर आ जाती हैं। दोस्तों, इनकी स्किन में एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इन्हें जलन होती है, और उससे बचने के लिए ये पानी का सहारा लेती हैं। दोस्तों, कितनी तकलीफ ये उठा रही होंगी इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं कोलंबिया के एक ऐसे आदमी से जो कि पिछले 22 सालों से स्वर में अपनी जिंदगी बिता रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि स्वर में कौन रहता है, तो ये देख लीजिए। दोस्तों, वो भी पिछले 22 सालों से अपनी पूरी फैमिली के साथ, जिसमें कि उनकी पत्नी और एक कुत्ता भी शामिल है। दोस्तों, कमाल की बात है कि कैसे कोई इतने सालों तक सुअर के अंदर रह सकता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये इतने आर्टिस्ट हैं कि इन्होंने सुअर के अंदर प्रॉपर घर बना लिया है। सुअर के अंदर ही इनके पास एक बेड है, एक टीवी है, खाने पीने का सामान है, और लाइफ जीने के लिए अपने परिवार का प्यार भी है। दोस्तों, कमाल की बात है ना कि कैसे पिछले 22 सालों से कोई गड्ढे में जिंदगी जी रहा है। दोस्तों, कहा जाता है कि आज से कई सालों पहले ये नशेड़ी की जिंदगी जीते थे, लेकिन अब ये सुधर चुके हैं, अब ये सिर्फ अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, जिनमें इनका कुत्ता भी बहुत अहम है। दोस्तों, इनका कहना है कि जिंदगी जीने के लिए सच्चे प्यार की जरूरत होती है, न कि बड़े घर और बड़ी बड़ी बातों की। क्या बात है। वैसे तो दोस्तों, हमने यही सुना है कि जब गरीबी आपके घर के गेट से अंदर आती है, वैसे ही प्यार खिड़की से बाहर चली जाती है। दोस्तों, जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये कहानी है इंग्लैंड की। ये देखिए कैसे एक इंसान मेटल बॉक्स में लेटा हुआ है। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इनकी बॉडी पैरालाइज्ड है पिछले 70 सालों से। जी हाँ दोस्तों, इन्हें बचपन में ही पोलियो हो गया था, लेकिन उसके बाद दोस्तों इनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। ये देखिए कैसे इन्हें अपनी लाइफ इस मेटल बॉक्स में काटनी पड़ रही है, कैसे ये अपनी लाइफ को जी रहे हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि ये अपनी लाइफ से थक चुके हैं, लेकिन ये बेचारे कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। दोस्तों, इसे कहते हैं सबसे बड़ी परेशानी, जब आपकी जिंदगी आपके हाथों में नहीं रहती है। इनकी केयर टेकर हैं जो इनका ख्याल रखती हैं, इन्हें अच्छे से संभाल के रखती हैं, इन्हें जो भी चाहिए होता है वो देती हैं, लेकिन ये बेचारे कुछ बोल नहीं सकते। दोस्तों, इतनी बड़ी परेशानी है कि कोई इनका कष्ट बांट भी नहीं सकता।
दोस्तों आज आपको यकीन तो हो गया होगा कि भगवान ने हम पे कितनी रहमत लौटाई है। दोस्तों अब हम आपको अपने देश भारत के एक ऐसे इंसान से मिलवाते हैं जो कि है सबसे अलग। जी हाँ दोस्तों, ये हैं संत जो कि रहने वाले हैं देश की राजधानी दिल्ली के। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इन्होंने अपने एक हाथ को पिछले 38 सालों से नीचे गिराया ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 38 सालों से। क्या आप सोच भी सकते हैं कि कोई इंसान ये मुकाम हासिल कर सकता है? लेकिन दोस्तों इस संत का कहना है कि इन्हें शिव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। दोस्तों इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों कि ये इंसान हम सबसे अलग है। याद कीजिए जब हमें स्कूल में टीचर कहते थे कि आपको अपने हाथ ऊपर करने हैं, 2 मिनट बाद ही हाथों में दर्द होने लगता था। लेकिन दोस्तों ये कहानी काफी अलग है। कैसे कोई इंसान 38 सालों से लगातार अपने एक हाथ को हवा में रख सकता है ये किसी को नहीं पता। कई बार तो ऐसा लगता है कि दोस्तों ये वाकई में कोई शक्ति ही है। हालांकि इनका कहना है कि ये सिंबल है हिंदू धर्म का और इसलिए अपने हाथों को हमेशा ऊपर ही रखेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ये किसी जमाने में बैंक में काम करते थे, लेकिन अब इनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। दोस्तों आपको कैसी लग रही है हमारी वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे आदमी से जिन्होंने पिछले 50 सालों से अपने बाल नहीं काटे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है वियतनाम के एक ऐसे आदमी की जिन्होंने 50 सालों से बालों में पानी भी नहीं डाला है। दोस्तों कमाल की बात है। ये देखिए कैसे ये अपने बालों को लेकर सड़क पे चल रहे हैं। दोस्तों ये देखिए जब इन्होंने अपने बाल खोलकर दिखाए तो कैसा लग रहा है। कहा जाता है कि इनके बाल इतने बड़े हैं कि ये इनकी बॉडी की हाइट से डबल हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि पिछले साल ही इन्होंने अपने बालों को कटवा लिया, क्योंकि इन्हें डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि अगर आप अपने बालों को नहीं काटेंगे तो आपकी मौत भी हो सकती है। बात तो सही है दोस्तों, अगर कोई 50 साल से अपने बालों को साफ नहीं कर रहा है, अगर कोई 50 सालों से अपने बालों को नहीं काट रहा है तो ऐसे में क्या होगा? वही होगा जो डॉक्टर ने इनसे कहा। दोस्तों क्या आपने कभी किसी ऐसे आदमी को देखा है जिसने कि पिछले 70 सालों से न तो कुछ खाया हो और न ही कुछ पिया हो? दोस्तों इतना ही नहीं, इस इंसान ने पिछले 70 सालों से वॉशरूम का भी इस्तेमाल नहीं किया है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये भी भारत के ही हैं। दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 70 सालों से अन्न का दाना भी नहीं लिया है। लेकिन जब ये बात रिसर्च ग्रुप्स को पता चली तो वो यकीन नहीं कर पा रहे थे इसके ऊपर। दोस्तों आपको बता दूं कि रिसर्चेस में भी यही पाया गया कि वाकई में इन्होंने अपनी लाइफ में न तो कभी कुछ खाया और न ही कुछ पिया है। वाकई में दोस्तों ये एक ऐसी कहानी है जो कि किसी को भी चकित कर सकती है। ये एक ऐसी घटना है जो किसी को भी परेशान कर दे, लेकिन जो इन्होंने करके दिखा दिया वो शायद ही कोई और रिपीट कर सकता है। दोस्तों क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में पहले सुना था? यकीनन नहीं सुना होगा, क्योंकि इनसे पहले ऐसा कोई आया ही नहीं था इस दुनिया में। दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी कि हमारा देश काफी निराला है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा देश जहाँ के लोग हैं सबसे अलग, सबसे शक्तिशाली। इसी बात पे भारत माता की जय कहने का मन कर रहा है। आप भी चाहें तो कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। दोस्तों ये देखिए कैसे रॉनी और डॉनी एक साथ रह रहे हैं। एक ही शरीर है इनका और पिछले 66 सालों से ये साथ में जिंदगी जी रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा तो इनका बर्थडे सेलिब्रेशन भी देख लीजिए। दोस्तों कहा जाता है कि कोई भी ट्विन जो कि एक शरीर के साथ पैदा होता है वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहता, और अगर जिंदा रहते भी हैं तो काफी कष्ट में। लेकिन दोस्तों इन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि जिंदा रहने के लिए विल पावर की जरूरत पड़ती है, न कि किसी और चीज की। वाकई में दोस्तों ये कहानी भी रॉनी और डॉनी की गजब की थी। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अब हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाते हैं जो कि पिछले 30 सालों से एक आइलैंड में रह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अकेले ही इस आइलैंड पे रहते हैं, न तो कोई इनके साथ रहता है, न ही ये किसी के साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात तो यह है दोस्तों कि इन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं है। ये बिंदास अकेले इतने बड़े आइलैंड के केयर टेकर बनके रह रहे हैं। हालांकि आज से 30 साल पहले यहाँ पे घूमने आए थे, लेकिन फिर इस जगह को छोड़ने का इनका मन ही नहीं किया। दोस्तों कई बार इस तरह के लोग आपको इस जमाने में मिल जाते हैं। दोस्तों अब हम आपको अंत में एक ऐसी लड़की से मिलवाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाओगे कि वाकई में ये सच है कि झूठ। दोस्तों ये कहानी है नाइजीरिया देश की एक लड़की की जो इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, ये लड़की 6 साल की उम्र तक सब कुछ ठीक कर रही थी, लेकिन दोस्तों अचानक ही न जाने इसके साथ क्या हो गया, इसकी बॉडी कभी ग्रो ही नहीं कर पाई। दोस्तों ये देखिए कैसे इन्हें एक टब में रखा जाता था। ये बहुत ही दुखद कंडीशन थी दोस्तों। भगवान ने अंत में इन्हें अपने पास वापस बुला लिया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं।